ओम नमः सिद्धिभ्यः। बोले जीवन में सुंदरता, शरीर में कोई सुंदरता नहीं है, सुंदर होते हैं तो व्यक्ति के कर्म होते हैं, व्यक्ति के विचार होते हैं। व्यक्ति जो सुंदर होता है तो बोले शरीर से नहीं होता है, व्यक्ति सुंदर होता है तो कर्म से होता है, व्यक्ति जो है सुंदर होता है वह विचारों से होता है, व्यक्ति भी सुंदर होता है तो वह सुंदर वाणी से होता है, मधुर वाणी से होता है, व्यक्ति सुंदर होता है तो मधुर व्यवहार से होता है, यदि सुंदर होता है तो सच्चे संस्कार अच्छे संस्कारों से होता है, यदि सुंदर होता है तो व्यक्ति चारित्र से होता है। तो जिसकी जीवन में जो है अच्छा व्यवहार है, अच्छा कर्म है, अच्छी वाणी है और अच्छे संस्कार हैं और अच्छे चारित्र हैं तो निश्चय यानी दुनिया का वह शख्स वह इंसान सबसे सुंदर होता है, ना कि कोई जो है रूप से गोरा आदि होने पर वह सुंदर होता है, कर्म से विचारों से वाणी से चारित्र से वह सुंदर होता है। हम केवल इस शरीर के से सुंदर बनने का प्रयास न करें, अपितु वाणी से चारित्र से कर्म से और व्यवहार सुंदर बने तो निश्चित ही आप बहुत सुंदर, अति सुंदर और सर्वांग सुंदर होंगे। ओम नमः।